झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए, झारखंड के राज्यपाल पद को संभाल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में। सीपी राधाकृष्णन जी को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मौजूदा राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे के बाद यह बड़ा फेरबदल किया गया है। गौरतलब कि रमेश बैस ने 6 जुलाई 2021 को आधिकारिक रूप से झारखंड के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था। फरवरी 2023 में उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन दक्षिण और तमिलनाडु से भाजपा के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित नेताओं में से एक हैं। 16 साल की उम्र में 1973 से 48 साल तक आरएसएस और जनसंघ से सीधे संगठन से जुड़े रहे हैं। 2014 में उन्हें कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के लिए भाजपा का उम्मीदवार नामित किया गया था और तमिलनाडु की दो बड़ी पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके के गठबंधन के बिना उन्होंने 3,89,000 से अधिक मतों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जो तमिलों में सबसे अधिक था। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिला में सीपी राधाकृष्णन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। 16 साल की उम्र में यानी 1973 में वे आरएसएस से जुड़ गए। बाद में वे जनसंघ से जुड़कर सक्रिय राजनीति में आ गए। इसके बाद 1998 के कोयम्बटूर बम धमाकों के बाद वे कोयम्बटूर लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव जीते। उन्होंने 1998 में 1.5 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की, जबकि 1999 में 55,000 से अधिक मतों के अंतर जीत विजय रहे। उन्होंने पढ़ाई बीओसी कॉलेज तुतीकोरिन में हुई। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किसान परिवार की रही है, जो कि एक साधारण परिवार से वो बिलोंग करते थे। बाकी आप क्या सोचते हैं झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी प्रकार के खबरों को देखने और जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने न्यूज़ चैनल JHN न्यूज़ को।